कि कुछ लोग इसलिए आते हैं। कोई सरोता है, सरोता किसे कहते हैं? सरोता कहते हैं कथा सुनन को नाम लेके घर से आए, पांडाल में बैठ गए, ना खुद सुन रहे हैं और ना दूसरे को सुनने दे रहे हैं, वो है सरोता। एक होता है सोता, घर से आए कथा सुन में जा रहे, काऊ खंबा की टेक लई और टेक लेके बैठ गए, थोड़ी देर तो आंखें खुली नहीं, थोड़ी देर बाद कर रहे हैं। तो ये कौन है? सोता। और एक होते हैं जो श्रोता होगा ना, श्रोता सच में श्रोता होगा, वो श्रोता ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा, देखेगा कि मैं एकांत में बैठूं। मैं अगर भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो ऐसी जगह बैठेगा जहाँ बाकी थोड़ी बहुत खटपट चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, क्योंकि अगर पड़ोसी से मेरी लड़ाई है तो ना ही वो मुंह से बोलेगा, ना ही मैं बाजे बोलूंगा, चैन से कथा सुनूंगा। और एक होता है तकुआ श्रोता। तकुआ श्रोता कैसे होते हैं महाराज? पैरन में टूटी चप्पल है, सोच रहे हैं पैसा की कमी चल रही है, बहुत दिन है गए गुजर करते करते, लाओ अच्छो मौका है, कथा चल रही है, टूटी वही पहन के जाए बे छोड़े हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी हुई है, अगल बगल को नई चप्पलें हुए तब वो तो कथा सुनने में रहे, अब उठे और 9-2-11। ये है तकुआ श्रोता, यानी तकते रहते हैं। और एक होता है चलनी श्रोता। चलनी आप लोग समझते हैं ना, चलनी जिसे आटा छानते हैं, चलनी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप, क्या
छन्नी छन्नी कहवे। अरे ये समझ लो जिससे आटा छानते हैं क्या कहते हैं उसे, छलनी कहते हैं, छन्नी। अरे हो ये तुम चुप हो जाओ, चलनी चलना मतलब कुछ भी सही एक्स वाई जेड आप जो भी कहते हो आप, क्या मेरे यहाँ तो चलनी कहते हैं, जो भी कहते हो आप समझ लीजिए। आपने देखा होगा उसे आटा छानी, तो जब आटा छानते हैं तो स्वच्छता नीचे निकल जाती है और उसकी छाछ अंदर रह जाती है। इसका मतलब है लड़के इन बच्चों को कोई है नहीं, उठा करके पीछे बैठा दो। महाराज आपने देखा होगा चलनी से जब आटा छानते हैं स्वच्छता नीचे निकल जाती है और छाछ उसके अंदर रह जाती है। इसका ठीक स्पष्ट होता है कि अगर कोई वक्ता आया, कथावाचक आया, अगर कोई सत्संगी व्यक्ति आया, अगर कोई संत आया जिसने सत्संग सुनाया या कथावाचक आया कथा सुनाई, तो जो अच्छी अच्छी बातें जो हमारे जीवन में धारण कर रही योग्य हैं, हमने में धारण नहीं की और चलनी की तरह उसे नीचे निकाल दिया। और ये चुटकुला इधर उधर की बातें जो कह करके मैंने, जो वक्ता ने कहा, कथावाचक ने कहा, वो मैंने छाज की तरह अपने अंदर धारण कर लिया और अक्षाई नीचे निकाल दी, तो कथा का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। महाराज और एक होते हैं सूप श्रोता। सूप किसे कहते हैं? सूप जी श्रीमान श्री हमारे बड़े भ्राता बॉबी भैया जी 51 रुपए से छोटी बहन को भेंट कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे बड़े भाई जी के जीवन में कल वेदना नायन क्षेत्र में आगे भात बढ़ते रहे, प्रभु कृपा वर्षा लक्ष्मी दाई निवास करती रहे। व्यास जी से प्रभु श्री प्रार्थना है, उली भक्ति और भगवान की। महाराज श्री सूत जी समझाते हैं शौनकादि ऋषियों, एक होता है सूप श्रोता। सूप समझते हैं महाराज जिससे अनाज फटकते हैं, क्या कहते हैं आपके यहाँ? सूप ही कहते होंगे ना जी। आपने देखा होगा सूप से हम लोग अनाज फटकते हैं, स्वच्छता उसके अंदर रह जाती है, उसमें जो भी गंदगी होती है फटक करके उसे बाहर कर देते हैं। इसका सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा अर्थ निकलता है कि अगर हम महाराज अगर हम कोई कथावाचक आपको सुना रहा है, उसने आपको हंसाने के लिए चुटकुला भी सुनाया, लेकिन आपने अच्छाई अच्छाई अपने अंदर धारण कर ली और जो इधर उधर की बातें थी वो आपने सूप की तरह फटक करके बाहर कर दी, तो ये है सूप श्रोता, ये है सच्चा श्रोता। लेकिन इन चारों में सच में श्रोता कौन से है, कौन से अच्छे श्रोता है? चलनी, सूप, तकुआ या सरोता, सोता, श्रोता कौन से अच्छे है? परीक्षा के पति कौन से है यहाँ कथा में? आपको तो महाराज ऐसा लगा कि आगे बैठना चाहिए। अच्छा श्रीमान बुद्धसेन कौन से हैं? यही है क्या? ये परीक्षा जी हैं। अच्छा आगे गद्दा डाल दो, ऐसा लगा कि बैठो। कहाँ है तुम्हारे घर से? कहाँ है खट्टे-पट्टे हैगी का? क्यों हाँ जोड़ा से ऐसा लगा के बैठा करें।